सोलन वाले रोड में। और यार अब लग रहा ना सोलन है कि क्या एंट्री है यार, ट्रैफिक नहीं आ रहा था, और अब जब आया तो इतना सारा आ गया यार, इसके बाद यार सोलन पहुंच चुका था 5:30 बजे और अभी मैं आया हूँ चोटोली टेम्पल में। तो अभी मेरे कल मैं सोलन में भर्ती जहाँ पे हो रही है ग्राउंड में, वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगा, अगर वीडियो वहाँ पे बनाने देंगे तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं पहुंच चुका हूं अर्की में, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी मैं ओल्ड बस स्टैंड में हूं और आज मैं जा रहा हूं सोलन, क्योंकि कल मेरी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, तो इसलिए अभी मैं सोलन जा रहा हूं, क्योंकि सुबह 8 बजे मुझे ऐसे पहुँचना है ग्राउंड में, तो सुबह मैं लेट हो जाऊँगा इसलिए अभी जा रहा हूँ। तो ये शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं अर्की से जा चुका हूँ और मुझे अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ से सोलन को पहुँचते हुए, और मैं भी चलता रहूँगा आराम आराम से, और आज मैं अकेला ही जा रहा हूँगा आज, तो बोर तो मैं नहीं हूँगा क्योंकि कैमरे में मैं कुछ ना कुछ बोलता ही रहूँगा, तो एक ख़ास बात इस कैमरे की कि इसमें बोर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहता हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 2:00 बज चुके हैं और अभी मैंने बातर घाटी क्रॉस कर दी है, तो देखते हैं गाइस कितने बजे तक हम पहुंचते हैं आज सोलन, और मैं चलूँगा तो आराम से ही क्योंकि रोड भी यहाँ पे थोड़ा खराब ही है, और ऐसे भी मैं आराम से चलता हूँ, तो देखते हैं मतलब मीडियम स्पीड में कितने बजे तक हम पहुंच जाएंगे आज सोलन। अभी 2 बज चुके हैं, तो मेरा आइडिया है तो मैं 5 या 5:30 के करीब पहुँचूँगा, तो अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। हमारे सामने से आता हुआ एक छोटा सा प्यारा सा ब्रिज, और अभी हम पहुंचने वाले हैं कुनिहार, मतलब कुनिहार से थोड़ी सी पीछे हूं अभी मैं, तो अभी तो धूप लगी हुई और मैंने जैकेट पहनी हुई, तो यार गर्मी लग रही है, जैकेट मैंने इसलिए लाया था कि कहीं ठंड ना लग जाए शाम के टाइम, तो अभी तो वही गर्मी लग रही है। और अभी रोड इससे आगे तो मतलब ठीक ही होगा रोड, कुनिहार से आगे तो ऐसे भी रोड बढ़िया रोड आ जाएगा वहाँ। यार लग गई थी मतलब ज़्यादा ही क्लोज थी उस पर। सोलन मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, मतलब मैं गया था कोई 5-6 महीने पहले, और आज जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद सोलन, तो रोड भी मैं भूल ही गया हूँ, भूल क्या मतलब पता तो लग जाएगा मेरे को रोड पर, ऐसे मैं भूल गया हूँ कि कहाँ कहाँ से रास्ता है, पर पता तो मेरे को लग ही जाएगा। पेट्रोल अभी मेरे पास है तो मैं आगे ही डलाऊंगा कहीं पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सोलन में किसके पास जा रहा हूँ, मतलब आज रात को मैं कहाँ पे रहूँगा, तो आप लोग को मैं बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त उदित के पास, उसका रूम है सोलन में, ITI करता है वो सोलन में, और उसी के रूम में मैं अभी जा रहा हूँ, और सुबह वहीं से मैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देने के लिए पहुंच जाऊंगा 8 बजे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कुनिहार में, और भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो कुनिहार में मैं अभी पहुंच चुका हूं, और यहां से सोलन मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कितना किलोमीटर होगा, मतलब ऐसा ही होगा वो 40-45। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ सुबाथू में, मिलिट्री एरिया सुबाथू, और यार काफ़ी टाइम से मैं लगातार बाइक चला रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा कहीं पे, और यहाँ पे कटता है आपका टैक्स और मेरा नहीं कटेगा क्योंकि 2-व्हीलर का टैक्स नहीं कटता है, तो हमें जाने देते हैं ऐसे ही। तो गाइस यहाँ से जाते हैं आई थिंक सोलन को, वो यार भूल गया मैं क्या बोला तूने अभी। मैं यहाँ पे पीछे यार रोड ही भूल गया था, मैं नीचे चला गया था बस स्टैंड साइड को, और क्या ही बोले यार, अभी पता लगा पूछा लोगों से तब, मैं आया भी एक ही बार हूँ इस रास्ते से यार, इसलिए गड़बड़ हो गया था, तो चलिए कोई नहीं अब तो रास्ता मिल ही गया, तो चलते हैं अपनी मंजिल पे, क्या पता आगे फिर से भूल जाए। सोलन फिर से भूल गया यार, गजब बेइज्जती है। अच्छा
सकती है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। यही रास्ता होगा सोलन को, है तो यही रास्ता वैसे, पर बहुत ज़्यादा कम गाड़ी आती है यहाँ। 16-19 किलोमीटर है यार यहाँ से सिर्फ, और गूगल मैप मेरे पास 28 किलोमीटर बता रहा है यार। क्या जी, क्या ही बोले गूगल मैप तेरे को भी यार, पता नहीं कौन सा रास्ता बता रहा था मेरे को। ये रोड है सोलन को, मुझे अभी नहीं विश्वास नहीं हो रहा पर है, क्योंकि यार सोलन के रोड में तो काफ़ी गाड़ी होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो कहीं 1-2 मिनट बाद एक गाड़ी आती है। और जैसा भी है ठीक है रोड, बस यही है कि सिंगल रोड है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड में। ये आई एक गाड़ी। तो दोस्तों मुझे सच बताऊँ तो ऐसे ही रोड पसंद है, मतलब बिल्कुल सुनसान रोड है यार, और बहुत कम यहाँ से गाड़ियाँ भी चलती है, और एक तो जंगल का ही रास्ता है, मतलब क्या ही बोले यार, एकदम अकेला हूँ मैं, और ये वादियाँ ये झरने यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं भी। मैं पहली बार अकेले जा रहा हूँ सोलन को, सोलन को क्या मतलब इतनी दूर को, ऐसे मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे तो अपने साथ में किसी ना किसी को ले ही जाता हूँ, पर आज मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है, मतलब है ही नहीं मेरे साथ आज कोई जाने वाला, इसलिए मैं अकेला ही आ गया। और सच बताऊँ तो यार अकेले में ज़्यादा मज़ा आता है बाइक पे, दो बंदा है जब पीछे वाला बंदा साथ में होता है तो इतना मज़ा नहीं आता जितना अकेले आता है। कैमरा के साथ ही मैं बातें कर रहा हूँ, मतलब आपसे, आप सबसे मैं बातें कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं अभी बाइक चला रहा था, तो अभी थक भी चुका हूँ, और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, पता नहीं जगह का नाम तो क्या होगा, पर अच्छी जगह है, पीछे इंसान जगह एकदम, मतलब रेस्ट करेंगे अभी यहाँ पे 5-10 मिनट और उसके बाद चलूँगा यहाँ से सोलन की ओर, और मतलब 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा सोलन। कल मैं सोलन में भर्ती जहाँ पे हो रही है ग्राउंड में, वहाँ की वीडियो भी बनाऊँगा, अगर वीडियो वहाँ पे बनाने देंगे तो आपको बताऊँगा कि कैसी भर्ती चल रही है सोलन में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी आगे अब बाइक पे। सो गाइस मेरे सामने हैं दो बड़ी बड़ी ट्रक, और मैं पहुंचने वाला हूं सोलन, मतलब सोलन से थोड़ी पीछे हूं अभी तो, बट पहुंचने वाला हूं, मतलब 25 मिनट यहां से लग। यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल, आप लोग का एक सब्सक्राइब मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा है, आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को इतनी खुशी मिलेगी कि क्या ही बताऊँ यार, मेरे लिए कर दो इतना सा। दोस्तों मुझे मिल चुका है यहाँ पे पीने का पानी, और यहाँ पे बहुत ही प्यारी बावड़ी है, मतलब बावड़ी है छोटी सी, तो चलिए बुझाते अपनी प्यास और आगे का सफ़र तय करते हैं अपना। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम सोलन वाले रोड में, और यार अब लग रहा ना सोलन है कि क्या एंट्री है यार, यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यार पहले ट्रैफिक नहीं आ रहा था, और अब जब आया तो इतना सारा आ गया यार, एक ही बार यार फर्न क्यों मार रहा है भाई। तो दोस्तों मैं सोलन पहुंच चुका था 5:30 बजे, और अभी मैं आया हुआ हूँ चोटोली टेंपल में, तो अभी मेरे साथ उदित भाई भी है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे वापस रूम में, और ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे मंदिर। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमें वापस भी जाना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।